गुड आफ्टरनून 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई 3 रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज टू 5, राइट? ओके, तो सबसे पहले कल की तरह ही, लास्ट लेक्चर की तरह ही, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5, करेक्ट? इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5, करेक्ट? तो ये ब्रैकेट के वजह से, तो दिस ब्रैकेट ये क्या बन गया, देखो x रेज टू n, करेक्ट? x रेज टू n बन गया, x के जगह पर क्या आ गया, ये पूरा x के जगह पर आ गया, पूरा का पूरा, ये x और ये n, तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, तो बनाते हैं 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5, 5 माइनस 1 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो सर्कल में है उसका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5, करेक्ट? आगे बढ़े तो देखो, इक्वल्स टू 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव को तोड़ सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5, करेक्ट? शुरू करें, 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4, हो गया? तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसके जगह पर चला गया, x के जगह पर, तो रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई टू रूट एक्स, राइट कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 1 बाई टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, बराबर, क्योंकि x के जगह पे वो सर्कल आया, राइट? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ, क्योंकि ये रेज टू पॉजिटिव रेज टू हाफ है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हाफ, करेक्ट? चलो आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 बाई रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4, 1 बाई टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, x का अंदर जाएगा तो 1, 3, और 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव माइनस, अब ये किसके जैसा दिख रहा है, गेस करो, ये ब्रैकेट आ गया, ये x रेज टू n, बराबर, क्या फॉर्मूला है, n बराबर x बराबर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, 3x
माइनस फाइव, राइट, करेक्ट है ना। एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव, जितना ज्यादा डेरिवेटिव निकाले निकालना पड़े उतना निकालना पड़ेगा। ओके चलो शुरू करते हैं आगे, अभी भी सम पूरा नहीं हुआ है। बनेगा फाइव रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस वन बाई रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव होल रेस टू फोर, करेक्ट। आगे देखो ये थ्री बाई टू हो गया, थ्री बाई टू रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव, करेक्ट। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वन बाई टू, राइट, थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री बाई टू, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स, करेक्ट। थ्री आई आएगा और थ्री आएगा और फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, तो बनेगा इनटू थ्री। आगे बढ़ते हैं, फाइव स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव वन रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव होल रेस टू फोर, थ्री बाई टू रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस वन थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाई टू थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री बाई टू, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो सम्स काफ़ी लंबे और लेंदी हैं, ठीक है, समझने के लिए टाइम लगेंगे, प्रैक्टिस करो तो ही जाकर समझेगा। ओके नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू। लिखो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट वन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिखेंगे, फिर लेट अस डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो ध्यान से, डेरिवेटिव के बाद पहला क्या आया है, कॉस आया है, और ये पूरा जो सर्कल कर रहा हूं वो एक्स की जगह पर गया है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किसका है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। तो देखो क्या बनेगा, देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या, ये सर्कल वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, देखो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये टूटेगा डेरिवेटिव, और ए जो है ये क्या बनता है, कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, कोई भी नंबर एक्स और वाई छोड़कर डेरिवेटिव में कांस्टेंट ही रहेगा, अगर उसको स्पेसिफाई किया गया तो अलग बात। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना, टू एक्स, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बना, जीरो,
तो देखो क्या बना, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स, फाइनल आंसर करेक्ट। होपफुली अभी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा किस तरीके से किसको एक्स पकड़ना और किसको नहीं। ओके तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव, हो गया। तो देखो देयरफोर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, करेक्ट। तो ये क्या बनेगा, ध्यान दो, यहां पर ये जो पूरा पार्ट है, पहले रूट आया ना, करेक्ट कि नहीं, पहले रूट आया तो ये बन जाएगा x, क्योंकि हमारे पास रूट x का डेरिवेटिव है, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई टू रूट x, तो पुट करते हैं 1 बाई टू रूट सर्कल वाला e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 बराबर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, करेक्ट। अब ये तो डेरिवेटिव के बाहर आ गया, ये ऐसे ही रहेगा 1 बाई टू रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, तो 1 बाई टू रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, ये क्या बन गया, देखो ध्यान से ये किस फॉर्मूले जैसे मैच कर रहा है, e रेस टू एक्स फॉर्मूला चेक करो तो e रेस टू एक्स के फॉर्मूले जैसा, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स मतलब e रेस टू 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, ये देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो क्या बनेगा, 1 बाई टू रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 3, 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये पूरा इधर ही खत्म, राइट। तो फाइनली जो बचा वही आंसर, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 बाई 2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट वन थर्ड, y इक्वल्स टू log tan x by 2, y नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में कंसिडर करते हैं कि y है, ठीक है।
तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टैन एक्स बाई टू, करेक्ट। अब देखो यहां पर डेरिवेटिव के बाद क्या आया, लॉग आया, और लॉग एक्स हमारा फॉर्मूला है, मतलब ये किसके पार्ट पे चला गया, एक्स के पार्ट पे, तो बन गया क्या लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स। तो शुरू करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाई टेन एक्स बाई टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई टू, करेक्ट। तो देखो आगे, अब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स बाई टू निकालना है। अब जब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स बाई टू निकालना है, हमारे पास टेन एक्स का फॉर्मूला है, तो ये एक्स के पार्ट में आ गया है, करेक्ट कि नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो लिखते आगे देखो वन बाई टेन एक्स बाई टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स बाई टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, करेक्ट कि नहीं, एक्स की जगह पर एक्स बाई टू है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू। आगे देखो क्या करता हूँ, वन बाई टेन एक्स बाई टू इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वन बाई टू इसमें से बाहर निकाल लिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज वन बाई साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, करेक्ट, इंटू वन बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, करेक्ट। आगे देखो, नाउ एक कॉस एक्स बाई टू और एक कॉस एक्स बाई टू कट है कैंसिल, तो बचा क्या वन बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, करेक्ट। और हाफ एंगल फॉर्मूले से ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स, करेक्ट कि नहीं, फाइनल आंसर। देखो जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो देखो थीटा की जगह पर एक्स है, तो ये रहा साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स, सॉरी टू नहीं आएगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, वन बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और कोसेक एक्स, ओके। होपफुली अभी समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ टेन रूट एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ टेन रूट एक्स, सही है। तो अब देखो सबसे पहले क्या आया है, रूट आया है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है वो एक्स में चला गया, तो हमें किसका फॉर्मूला मिला, रूट एक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, वन बाई टू रूट एक्स। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, वन बाई टू रूट एक्स की जगह पर क्या आएगा, टेन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो सर्कल के अंदर है टेन रूट एक्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
अब डेरिवेटिव जब इसका सॉल्व होगा तो टैन है, और हमारे पास एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स। तो ये क्या बन गया, सर्कल वाला क्या बन गया, टैन एक्स। और टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या मालूम है हम लोगों को, सेक्स पर एक्स। तो 1/2√tan√x, करेक्ट, d/dx और tan रूट एक्स, द सेक्स स्क्वायर टैन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स बनता है। एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स, सेक्स स्क्वायर डी रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ रूट एक्स। जब तक एक्स नहीं बनता तब तक सॉल्व करना है। तो 1/2√tan√x इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। अब ये रूट एक्स मत कैंसिल कर देना, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। ओके, कम से ये टू और ये टू ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं देखो क्या बनेगा, 1/4√tan√x इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो उसको वापस रिवाइज करके देखो कि कैसे किया है मैंने। देखो ठीक है, मैं ये वापस एक बार रिपीट करता हूँ। y इक्वल्स टू रूट ऑफ टैन रूट एक्स, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, रूट पहले मिला, ये पूरा सर्कल वाला x के अंदर चला गया, तो हमारा फॉर्मूला बना रूट x का, रूट का सर्कल, सर्कल मतलब x, 1/2√x, 1/2√x इंटू d/dx ऑफ, क्योंकि ये x नहीं था तो वापस डेरिवेटिव निकाला। वापिस जब डेरिवेटिव निकालने गए तो अकेला एक्स नहीं मिला, फिर से ये सर्कल रूट एक्स मिला। इसलिए देखो हर बार सर्कल के फॉर्म में मार्क कर रहा हूँ, 1/2√tan√x, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि एक्स की जगह पर रूट एक्स है, इंटू d/dx ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4, बाकी सब ऐसे ही हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। वाई इक्वल्स टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। देखो ध्यान से, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें कुछ नया सीखने मिलेगा। dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ, ध्यान से जब अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कोई नंबर रहे तो उसको होल रेस टू वो नंबर कर लेना, तो क्या बनेगा, कॉट लॉग एक्स क्यूब, ये बंद हुआ, होल रेस टू 3। समझा क्या हुआ, ये जो कॉट क्यूब था ये पूरे को 3 चढ़ा दिया मैंने, ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं बनता, समझा। तो अब ये क्या बना, अब ध्यान से देखो, ये पूरा x के अंदर चला गया, x रेस टू n बन गया। ओके, तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एन माइनस वन। तो बनेगा क्या, 3, x के जगह पर क्या लिखा हुआ है, कॉट लॉग एक्स क्यूब, ये बंद हुआ, 3 - 1 2 इंटू d/dx ऑफ, ये सर्कल वाला, कॉट लॉग एक्स क्यूब, बराबर। अब देखो आगे, अब ये तो सॉल्व हो गया, अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट चाहिए, कॉट, अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट लिखा हुआ है और एक्स के जगह पर ये पूरा आया हुआ है, करेक्ट, और हमें क्या पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है,
व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। तो चलो शुरू करते हैं, ये बनेगा 3 बराबर कॉट, पीछे देख कर लिखो चाहिए तो 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब, करेक्ट, होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ये एक्स के जगह पर है, इनटू इनटू पूरा अच्छे से लिखोगे यहाँ, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर लॉग एक्स क्यूब इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एक्स के जगह पर इतना बड़ा था तो अब हम लोग उधर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े हैं, देखो लॉग एक्स क्यूब, ये सर्कल वाला सॉल्व हुआ तो ये बनेगा 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इनटू। अब डेरिवेटिव के बाद क्या आया है, लॉग आया है, लेकिन एक्स के जगह पर क्या आया है, एक्स क्यूब, तो ये बन गया लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से एक्स क्यूब, अकेला एक्स जब तक लास्ट में बनता नहीं है। तो फाइनली 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब होल स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² एक्स रेस टू एन, एन एक्स एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स कट गया तो बच गया 3 बाई एक्स और यही फाइनल एक्स। ओके, लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं पर ध्यान से करो, बार बार प्रैक्टिस करो, देखो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब ध्यान दो, मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो, ये एक नंबर है और ये आ गया है x के पार्ट में, तो नंबर मतलब कॉन्स्टेंट, और हमारे पास एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, मतलब कॉन्स्टेंट रेस टू x, उसका फॉर्मूला है a रेस टू x इंटू लॉग a। ओके, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इंटू लॉग a, तो देखो क्या बनेगा फाइनली, a रेस टू x इंटू लॉग a, x के जगह पर ये लिखा हुआ है 5 रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, करेक्ट, a रेस टू x इंटू लॉग a और ये x के जगह पर जो आया उसका डेरिवेटिव, बराबर। तो देखो फाइनली आगे क्या, तो 5 रेस टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव इंटू, अब ये डेरिवेटिव दोनों में टूट जाएगा इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला, देखो ब्रैकेट डाल के सॉल्व करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री, करेक्ट। ध्यान दो आगे क्या बनेगा, फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मैंने क्या बोला था ट्रिग्नोमेट्री के सर के ऊपर पावर रहा तो पूरे होल का पावर बना लो, प्लस डेरिवेटिव ऑफ थ्री कितना हो जाएगा कांस्टेंट, जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। क्लियर, आगे बढ़ूं तो ये बनेगा फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव इंटू, ये देखो क्या बना, ये बना एक्स रेस टू एन, करेक्ट कि नहीं, ये x के जगह पर है, ये x रेस टू n बनेगा क्या, n x n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और जीरो को भूल जाता हूँ क्योंकि ये x के जगह पर था। आगे बढ़ूँ तो ये बनेगा फाइव साइन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करो, साइन स्क्वायर एक्स करो, ठीक है। तो देखो फाइव साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव, अंदर क्या बनेगा टू साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये देखो टू साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो फाइनली फाइव रेस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव टू साइन थीटा कॉस थीटा, अब भी फॉर्मूला सिखाया दैट इज साइन टू थीटा। क्लियर, आई होप धीरे 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 जितना प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सॉल्व होना शुरू होगा, 18 टू 20 क्वेश्चन से एक एक एक्सरसाइज में, कुछ एक्सरसाइज छोटे हैं कुछ एक्सरसाइज बहुत बड़े हैं, ठीक है, ये वन ऑफ द बिग एक्सरसाइज है। ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवन, वाई इक्वल्स टू कोसेक रूट कॉस एक्स। तो देखो क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक रूट कॉस एक्स। ये एक्स के जगह पर चला गया, करेक्ट कि नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव के बाद क्या आया है कोसेक आया है और ये एक्स के जगह पर चला गया है, तो बनेगा क्या, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही फॉर्मूला है। तो बिठाते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स, करेक्ट कि नहीं, क्योंकि एक्स का जो निकला वो भी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मूला इंटरप्रेट करके उसके अंदर एक्स के जगह पर पुट कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
क्या बनेगा? इक्वल्स टू माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये एक्स के जगह पर चला गया अब क्योंकि सामने रूट आ गया है, तो रूट एक्स बन गया ये, करेक्ट कि नहीं? और उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, बराबर। तो 1/2 रूट एक्स के जगह पर कॉस एक्स है इंटू dy/dx ऑफ कॉस एक्स। आगे लिखते हैं माइनस कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। फाइनल आंसर इंटू प्रॉपर डालो, ठीक है? समझा सबको? आई होप तुमने डिफरेंशिएशन का यहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।